नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन के अमोल होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें रायसेन के सभी पत्रकार उपस्थित हुए। वहीं वार्ता में शहर के विकास को लेकर हुई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी ने सभी पत्रकारों से रायसेन के विकास को लेकर सुझाव मांगे और स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये थी मध्य प्रदेश रायसेन से भारत न्यूज़ टीवी के संवाददाता कालिम खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी। कैसा रहेगा चुनाव कोरोना काल में, कितनी मुश्किल? देखिए, कोरोना काल जब से बढ़ा है उससे मुश्किलें ही मुश्किलें बढ़ी है। आसानी की तो बात छोड़ दो आप, मुश्किलें बढ़ी हैं। लोगों को दिनचर्या में बदलाव लाना है। लोगों से जो एकदम फ्रीली लोग मिल सकते थे उसको भी हमें मतलब उसमें भी हमें सावधानी बरतना चाहिए, एक दूसरे को दूरी बना के रखना चाहिए। जितनी सावधानी बरतेंगे हम उतनी ही हमारी सुरक्षा होगी। चुनाव में संभवतः ये सावधानी बरती जाएंगी क्या भाई साहब? पूरी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ी बड़ी रैलियां भी उसी के माध्यम से हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं मंत्री बना, मेरे साथी लोग और हमारे कार्यकर्ता लोग एक बड़ा यहाँ पर स्वागत समारोह रखना चाहते थे, लेकिन इसी सावधानी के वजह से कि भीड़ इकट्ठी होगी, हमने उसको भी इस कोरोना के संक्रमण की वजह से उसको निरस्त किया। फिर मेरा 15 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, उसमें भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि उसको हम काफ़ी लोग इकट्ठा हों, उसको भी मैंने निरस्त किया। एक दिन पहले ही मैंने वीडियो जारी किया, सब लोगों से निवेदन किया कि आप लोग वीडियो के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, उनके लिए क्या विशेष योजना बनाई है? वाइडिंग थोड़ी दिखेंगी, ऐसे मैं ले रहा बात सही है क्या? इसे बुरा लगेगा टीवी। इंदौर में, भोपाल में, और अब ये नया स्पॉट हमारा ग्वालियर और मुरैना में केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने अभी रास्ते में ही दोनों कलेक्टर से भी मैंने बात की है, कमिश्नर से भी मैंने हेल्थ कमिश्नर से बात की है, ACS से हमने अभी बात की है। शाम को मुख्यमंत्री जी भी उसकी समीक्षा करेंगे। रहना तो मुझे भी था, लेकिन मैं अभी आपके बीच में हूँ, कभी कभी इधर मुझे क्षेत्र में रहना पड़ता है। इसके लिए हम पूरी व्यापक हमारी पूरी तैयारी चल रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हमारा ग्वालियर हो या इंदौर, पूरे जोन बना लिए गए हैं, उनके पूरे अधिकारियों को पूरी तरीके से बना दिया गया है, कंटेनमेंट एरिया के पूरे बना दिए गए हैं। और अभी तो पूरा 7 दिन के लिए ग्वालियर बंद ही है। हमारी कोशिश ये है कि ये जो भी केस है, इसलिए जो किल कोरोना अभियान पूरा 15 दिन बाद स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे चलाया था, किल कोरोना अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन को कवर किया गया है, जिसमें घर घर जाकर लोगों से पूछा गया है कि कोई किसी को खांसी तो नहीं, किसी को बुखार तो नहीं, किसी को कोई सिम्टम तो नहीं, किसी को कोई साइन तो नहीं। और उसमें पूरे हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन को कवर किया गया है। उसमें लगभग 85,000 सैंपल का टेस्ट भी हुआ है उसमें, और उसमें जो केस निकल कर आए, आज हम ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो उसी के अंतर्गत जो केस आए उनको पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में जैसे ग्वालियर में है, पूरी व्यवस्था उनकी की गई है। अगर और आवश्यकता आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है कि हर जगह बेड की अवेलेबिलिटी हो, जो नहीं है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इंक्वायर करेंगे, अगर और भी आवश्यकता पड़ी तो दूसरे प्लेस को भी हम इंक्वायर करेंगे। बेड हम लोग बेड हर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में उसमें कम से कम 10 ICU पे बेड वहाँ पर उपलब्ध रहे। जो HFNC हाई फ्लो जो हमारा नेजल फॉर्मूला है वो उस तरीके से, जिससे कि जो
अगर और लोगों से मिला है, 10 लोगों से मिला है, 15 लोगों से मिला है, उनको खोजना है, फिर उनकी जांच करना और जांच के बाद उसमें सैंपल। आज हम लोगों ने टेस्टिंग की कैपेसिटी भी उसमें बढ़ाई है और हमारा पूरा प्रयास है। देखिए, आप ग्वालियर हो, मुरैना हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, चाहे अन्य हमारे जिले हो, टीकमगढ़ है, लेकिन ये बात निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि लोगों को इसको गंभीरता से लेना होगा। सब लोगों का इसमें सहयोग अपेक्षित है, आम नागरिकों का सबसे ज़्यादा सहयोग अपेक्षित है। राज्य सरकार किसी प्रकार की स्वास्थ्य विभाग कोई कमी नहीं रखेगा, पूरी ताकत के साथ में कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना मुक्त करने के लिए और उन लोगों को जो सुविधाओं हैं, जो लोग पेशेंट हैं, मैं खुद चिरायू में गया, मैंने खुद मरीजों से बात की, डॉक्टरों से मैंने बात की और सब जगह मैं प्रयास कर रहा हूँ और प्रदेश की जो स्थिति है उसको हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग कंट्रोल करेंगे। और सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, फेस कवर जरूर लगाएं, अगर जरा भी छींक के अलावा थोड़ा सा भी बुखार आता है, खांसी आती है, खराश आती है, जल्दी अस्पताल में जाकर आदमी दिखाए। अगर शुरुआत में ही अगर व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है। अगर वो स्थिति उससे ज़्यादा हो जाती है, मान लो सांस फूलने लगा तब आदमी पहुंचता है, तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति ना बने कि आदमी को वेंटिलेटर पे जाने की आवश्यकता पड़े। पहले ही अगर हम लोग बताते जाएंगे तो उसका बेटर तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है और रिकवरी भी हमारी अच्छे से हो सकती है। पूरा कलेक्टर एसपी को हटाया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पर्दा।